Assalamu alaikum guys, this is Danish Sumro and welcome back to my channel store4u.pk. Guys, आज हम आपके लिए डिवाइस अनबॉक्स करने जा रहे हैं which is a Poco M3 5G और M3 आपने पहले यूज कर चुके होंगे, हमारी वीडियोस भी देखी होंगी। M3 बहुत फेमस हुआ लेकिन मुझे आज बहुत दुख है MI वालों की तरफ से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये रहा है Poco M3 जो कि मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ अपनी ऑडियंस के सामने। इसके पीछे एक वारंटी है जो कि फोन जू वालों की वारंटी है और मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास 2-3 हमारे जो क्लाइंट हैं जिनका फोन डेड हो गया और वो Poco M3 था, डेड हुआ और फोनजू की वारंटी में ही आ रहा था जो है मोस्टली। और हैदराबाद में फोनजू का क्लेम सेंटर नहीं था, पहली बात तो ये दुख हुआ मुझे कि भाई क्यों हमारे हैदराबाद में क्यों नहीं है। उसके बाद इनका क्लेम सेंटर कराची है, जब हम कराची में इनको क्लेम करवाने के लिए गए हैं तो बिलीव करें उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स कहे कि मैं तो कसम से अगर क्लाइंट होता तो मैं झगड़ा कर लेता, बट मैं अपने ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट बोल के आ गया कि वो बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी वारंटी फोन जू की है, हम आपसे क्लेम तो ले लेते हैं लेकिन आप जो है ना टाइम नहीं पूछेंगे कब रिटर्न मिलेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। तो आप मुझे ये बताएं ये कैसी वारंटी है भाई, आप जो है इतनी सेलिंग ब्रांड जो है उसकी वारंटी क्लेम करने में ऐसे करेंगे। और बिलीव करें मैं नहीं था अकेला वहां पर क्लेम सेंटर पे, मेरे जैसे 2-4 और भी थे जिनके वही क्लेम था जो Poco M3 में है और इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूं Poco M3 Pro, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई हैं ताकि जो है ना आपको लगे कि हम सिर्फ यहाँ पर अनबॉक्सिंग और तारीफें के पुल बांधने नहीं आए हैं। और यहाँ पर तो देखो हर कोई यूट्यूबर जो भी ब्रांड लेके आ जाता है रिकमेंड कर देता है, अरे भाई क्या हो गया, आप अनबॉक्स के साथ साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स भी तो बताओ ऑडियंस को, असलियत तो बताओ। आपका चैनल इसलिए देख रहे हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हो और क्या नहीं रिकमेंड करते हो। आप जो भी ब्रांड लेके आ जाते हो स्पॉन्सरशिप के चक्कर में उसकी तारीफों के पुल बांध देते हो कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वाह वाह बस तबाही कर दी इसने। अरे भाई तबाही कर दी उसके वो अपना मसले भी तो बता दो कि क्या हो रहे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, या तो मार्केट में आके बैठो पता चले कि क्या है। और सो गाइज अनबॉक्स करने से पहले ये Poco M3, इसके मैं थोड़े की फीचर्स आपको बता दूं। ये 5G फोन है, मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया है और मीडियाटेक का इन्होंने डायमेंसिटी प्रोसेसर मीडियाटेक ने जो है लॉन्च किया है जो कि 5G वालों के लिए यूज हो रहा है। 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6GB और 128GB वेरिएंट में अवेलेबल है अभी और मोस्टली ये ऑनलाइन मिल रहा है और हमारी वेबसाइट पे भी ऑनलाइन आपको store4u.pk पे मिल जाएगा ये। और हम जो अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो अपना 6GB पावर ब्लैक कलर करने जा रहे हैं, इसको अंदर अनबॉक्स करते हैं। इसका मैं अभी आपको फीडबैक तो नहीं दे सकता क्योंकि ये अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको 1 वीक या 15 डेज के बाद फीडबैक दूंगा। और Poco M3 का जो मैंने आपको फीडबैक दिया है आप भले इस पे रिसर्च कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो उससे पहले लेट्स स्टार्ट। इसको कह सकते हैं कि चीपेस्ट 5G फोन विद 6GB रैम और ये 6GB रैम में आया है। सो अनबॉक्स करते हैं इसको। सो ऊपर से कुछ ये अपना जो है ये केस है और इसमें देखते हैं अंदर क्या है। एक आपकी वो सिम इंजेक्टर टूल है और ये Poco के स्टिकर्स हैं, आपको जो है ये स्टिकर्स दिए हैं इस बार Poco वालों ने। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं ये स्टिकर्स हैं खूबसूरत से, अपनी गाड़ी पे लगाइएगा या अपने फ़ोन पे लगाइएगा या जहाँ दिल करे लगा दीजिएगा। और ये बुकलेट्स हैं इनकी और पेपर वर्क है और यहाँ पर एक सिलिकॉन केस है और सिलिकॉन केस तो यहाँ पर ये एक फिंगरप्रिंट का दिया हुआ, इट मीन्स के साइड फिंगरप्रिंट है। केस में इस बार इन्होंने ये प्रोटेक्शन भी दी है, चार्जिंग प्रोटेक्शन। और यहाँ पर ये रहा फोन, फोन पे कुछ ऊपर हाइलाइट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊं के हाइलाइट्स जो है। MediaTek Dimensity 700 विद डुअल 5G है, 7 नैनोमीटर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, 90Hz का 6.5 इंच FHD+ डॉट डिस्प्ले है, डायनामिक रिफ्रेश रेट है, स्विचिंग आप कर सकते हैं इसकी, 5000mAh की बैटरी दी है, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, 48MP AI ट्रिपल कैमरा, इसकी बैक जो है 48MP कैमरा है और कैमरा सेटअप इनका 48MP और फ्रंट 8 है। डिवाइस की फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं और मेरे हिसाब से अब इसको अनरैप करते हैं, इसका लुक और डिजाइन की बात करें।
दिस टाइम इन्होंने बड़ा ग्लॉसी लुक दिया है, यहाँ से आप देख लें कि बैक से जो है तो प्लास्टिक बट एक ग्लॉसी सा लुक आ रहा है, और मेरे हिसाब से तो डार्क ग्रे कलर जैसा लुक दे रहा है। सो गाइस, 3 कैमरा इसका सेटअप है, 48 मेगापिक्सल जो है इसका मेन कैमरा है, और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ है, एक फ्लैश एलईडी लगा हुआ है। इस बैक साइड की बात करें तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग हुई है 5G मेड इन चाइना, और ये डिजाइन बाय पोको Xiaomi कम्युनिकेशन को LTD, Xiaomi वालों की डिवाइस है बेसिकली। अच्छा, ऊपर ये 3 डॉट्स जो है आपको नजर आ रहे हैं, ये वाइट डिवाइस है जिसमें मुझे ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये अपना एक ऑक्स है। अब ये मैं 3 डिवाइस डॉट्स का आपको बताऊंगी, एक वॉइस कैंसिलेशन है, एक इंफ्रारेड लगा हुआ है जो कि आपके सारे टीवी कंट्रोल्स और ये वगैरह करता है, और एक न्यू फीचर इन्होंने ऐड किया है कि जो आप बाहर धूप में जाते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस को आगे पीछे कर देता है। ये 3 डॉट्स जो है, 2 सेंसर्स हैं और एक वॉइस कैंसिलेशन माइक है यहाँ पर ऊपर से। सो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट चीज दी है, और इन्होंने इस बार साइड में वॉल्यूम बटन है यहाँ से, और ये साइड फिंगरप्रिंट है, और नीचे से एक स्पीकर है, और यहाँ पर माइक है, और टाइप सी जो है यहाँ पर जो है आपकी वो चार्जिंग। फ्रंट जो है वो गोरिल्ला ग्लास 3 है, और यहाँ पर जो है मिडिल डॉट डिस्प्ले कैमरा दिया है। अब इसको ऑन करते हैं, जब तक डिवाइस ऑन हो तो हम इसकी एक्सेसरीज को देखते हैं कि एक्सेसरीज में क्या है और एक्सेसरीज में इन्होंने क्या क्या दिया है। सो गाइस, हमेशा की तरह एक चार्जर ही होगा, और चार्जर ये 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्टेड है, पर चार्जर इन्होंने जो है तकरीबन 20 वॉट का चार्जर दिया है, ये तो अच्छा है कि मीन्स कि आपको चार्जर जो है 20 वॉट का मिला है। और इसके बाद USB टाइप सी जो है वो केबल है, और ये अपना जो है टाइप सी USB टू टाइप सी है। फोन ऑन हो गया है, इसको एक्टिव करते हैं। सो गाइज, लोडिंग एप्स ये हो गई, और यकीन करें बहुत टाइम लिया लोडिंग एप्स में, मुझे पता नहीं है कि इसमें इतनी स्पीड का मसला है क्या है, बट बहुत टाइम लिया इसने भाई लोडिंग एप्स में। मैं आपको बताऊँ, एक्टिव करने में मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया स्लो। 5G को ज्यादा फोकस किया गया है, इतने नए नए प्रोसेसर लगाए हैं, और ये फर्स्ट लुक। सो अब अंदर चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट में देखते हैं क्या है इसका, और 12.0.2 है, और 128GB और 6GB है वेरिएंट, मैंने आपको बता दिया। M3 Pro 5G है, और यहाँ से जो है अपना आपको एंड्रॉयड वर्जन बता दूं, इनका जो है अपना MIUI ग्लोबल जो इनका अपना फर्मवेयर है वो 12.0 है, और एंड्रॉयड वर्जन जो है 11 है, जो कि अभी तक मोस्टली फोन्स में 11 चल रहा है। सो दिस इज 11 वर्जन। और अब हम चल रहे हैं कैमरा की तरफ, तो कैमरा में क्या फीचर्स हैं, कैमरा में देखते हैं भाई। ये रहा बैक कैमरा, बैक कैमरा में इसका जो है एक प्रो वर्जन है, और यहाँ पर एक वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, मोर में आप देख लें, और 48MP कैमरा का सेटअप है, और शॉर्ट वीडियो है, टाइम लैप्स है, स्लोमो है, एडिटर है, नाइट है। अच्छा, और इसमें जो है यहाँ पर आपको जो है और भी मैं दिखा दूँ, यहाँ ये वाले फीचर्स भी आ जाते हैं यहाँ से ऐसे, और इसमें जो है मैक्रो कैमरा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, सो वही देख रहा हूँ कि मैक्रो कैमरा कहाँ है, अगर उन्होंने मैक्रो दी हुई है सो मैक्रो शायद कैमरा में होगा। हाँ, यहाँ से जो है ये रहा मैक्रो, ठीक है। मूवी फ्रेम है, आप जो है फ्रेम सेट कर सकते हैं, रेशोज यहाँ से, और 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का टाइम सेट कर सकते हैं इसमें, और टाइम बस्ट भी मार सकते हैं। ये बैक के सारे फीचर्स हैं। अब हम आते हैं इसकी जो है बैक कैमरा के रिजल्ट, ये जो है अपना मैं आपको बैक कैमरा का रिजल्ट यहाँ से दिखाता हूँ ताकि टेक्सचर जो है देखें कैसे आता है। और एक नॉर्मल सी पिक्चर है जो कि 48MP है, और यहाँ पर ये आप देख लें रिजल्ट, ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल रिजल्ट काफ़ी बेहतर है फ़ोन का। ये देखें आप, मैं इसको जूम इन और आउट करूँ तो ये टेक्स्ट देखें कितना क्लियर आ रहा है, और पिक्सल्स बिल्कुल नहीं टूट रहे इसके वाइल जूमिंग इन और आउट। सो अब और जो है ये था मेन इसका कैमरा, अब हम जो है इसका मैक्रो कैमरा चेक करते हैं। पोर्ट्रेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट पहले हम मैक्रो कैमरा चेक करते हैं। मैक्रो की पिक्चर जो है मैं आपको अक्सर हम इसी की निकालते हैं। सो ये रहा मैक्रो का रिजल्ट आपके पास, ये जो है अपना पिन देख लें, मैक्रो कैमरा इज डूइंग वेरी बेटर। और अब हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं, तो पोर्ट्रेट जो है मैं आपको, ये इसका पोर्ट्रेट कैमरा है जो कि रिजल्ट आपके सामने, दिस इज द पोर्ट्रेट कैमरा।
और ये था बैक कैमरा का रिजल्ट। अब हम इसके फ्रंट कैम की बात करें तो फ्रंट कैम में मैं आपको अपनी सेल्फी लेके दिखा दूँ, इतना अच्छा तो नहीं हूँ मैं, फिर भी सेल्फी आप मेरी देख लें। दिस इज़ द पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट मोड है गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है पोर्ट्रेट का है। और बाकी जो है प्रोसेसर का हम आपको गेमिंग टेस्ट देंगे, जाहिर बात है वो हमारी वीडियो सेपरेट होती है, पबजी टेस्ट और गेमिंग टेस्ट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, इसके बाद हम फौरन बाद वो अपलोड कर देंगे गेमिंग टेस्ट। और बाकी फोन हीटअप वगैरह भी इतना नहीं हो रहा, लुक वाइज भी अच्छा है। ओवरऑल मैं आपको इसको बताऊं फोन की परफॉर्मेंस के, फोन लुक वाइज बेहतर लगा मुझे और फील और टच भी बेहतर है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है सो टच मुझे बेहतर लगा है इसका। और बाकी जो है इसकी बात करेंगे स्पीड की, तो मैंने जब इसको ऑन किया तो लोडिंग एप्स में थोड़ा टाइम लगा, शायद वो कभी हो जाता है ऐसे, इस तरह से हुआ। और दूसरी बात ये कैमरा रिजल्ट इज फाइन, बट इस रेंज का 5G और 6GB रैम मिल रहा है। ये डिवाइस ही है पोको M3 Pro जो आपको इस रेंज में 6GB रैम और 5G दे रहा है। गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है और इसके प्राइस जो है पाकिस्तान में प्राइस टैग इसका चल रहा है 34,000 कंपनी प्राइस है, बट 33,000 में अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो इस फोन के बारे में तो मुझे कमेंट जरूर करें, अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए टैग के बारे में, उसके लिए आप जरूर कमेंट करें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं नहीं तो मेरी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, www.store4e.pk हमारी वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। और मैंने आपको जो बताया वारंटी के बारे में, तो उसको जो है आप मद्देनजर रखिएगा, बट हर डिवाइस को नहीं कीजिएगा, हो जाता है, कंपनी कितनी सारी डिवाइसेस है उसमें एक में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सबको क्लेम नहीं कर सकते। सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज दानिश सुमरो, अल्लाह हाफिज़।